हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुपरमैन सेक्स टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्यों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, लोग इस टैबलेट के पीछे इतना पागल क्यों थे, क्या सच में इससे सुपरमैन जैसी ताकत महसूस होती थी, इतनी ही पावरफुल थी तो इसे बैन क्यों कर दिया गया, क्या रास्ता इस टैबलेट का, तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब। उससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि क्या एक बूंद स्पर्म से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो अगर आप भी अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सुपरमैन टैबलेट क्यों यूज किया जाता था। कंपनी के दावे के अनुसार सुपरमैन टैबलेट से आपके लिंग में बहुत ही ज़्यादा हार्ड इरेक्शन मिलता था, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, ये टैबलेट आपके सेक्स टाइम को बढ़ाता था, सुपरमैन जैसी ताकत देता था, पुरुष इस टैबलेट का यूज़ करके घंटों सेक्स का मज़ा ले पाते थे। तो सवाल आता है फिर इसे क्यों बैन कर दिया गया। इस टैबलेट में मेन इन्ग्रीडियंट टेडलाफिल, सिलडेनाफिल, वर्डेनाफिल और एक सीक्रेट एंड हिडन इंग्रेडिएंट था जो इस टैबलेट को डेंजरस बनाता था। इस टैबलेट से सडनली ब्लड प्रेशर लो हो जाता था और लोगों पर नेगेटिव असर पड़ता था, क्योंकि एक बार में इनमें से किसी एक टैबलेट को ही लिया जा सकता है, टेडलाफिल या सिलडेनाफिल, दोनों टैबलेट को एक साथ नहीं ले सकते हैं। और सुपरमैन टैबलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाती थी, जिससे लोग इसे आसानी से खरीद लेते थे। और जब FDA ने, जो अमेरिका की फूड एंड ड्रग लाइसेंस कंपनी है, उसने जब इस टैबलेट की जांच की तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले जो लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस थे और इसलिए FDA ने इसे बैन कर दिया। सुपरमैन टैबलेट कई देशों में अब भी बैन है, बट ये इलीगली तरीके से अभी भी बेचा जाता है। ये टैबलेट जब लॉन्च हुआ तो इसे मेल परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट टैबलेट के नाम से बेचा गया। इस टैबलेट की इतनी ज़्यादा बिक्री हुई कि चाइना की वेबसाइट अलीबाबा ने इससे अरबों रुपए कमाए, इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई, इसलिए लोग इस टैबलेट के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल थे। बट जैसे ही सच्चाई बाहर आई, इस टैबलेट को तुरंत बैन कर दिया गया। इसे अफ्रीकन सुपरमैन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो कंक्लूजन यही कि इस तरह की टैबलेट खरीदने से बचना चाहिए, बिना टैबलेट के जांच के नहीं लेना चाहिए। तो होपफुली आप भी सुपरमैन टैबलेट के बारे में काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।